कैथल में आज किसानों ने सरकार द्वारा जारी चिराग योजना और नई शिक्षा नीति के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने कैथल लघु सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान किसानों ने कहा कि चंद बड़े घरानों को छोड़कर जनता का हर वर्ग सरकार की जन विरोधी और शिक्षा विरोधी नीतियों के चलते परेशान है। युवा वर्ग रोजगार के लिए मारामारी कर रहा है तो वहीं चिराग योजना के नाम पर सरकार प्राइवेट स्कूलों को प्रमोट कर रही है और सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। किसानों ने सरकार से मांग की कि सरकार सरकारी स्कूलों को मर्ज करना बंद करे और 50,000 खाली अध्यापकों के पदों पर भर्ती करे। नहीं आने वाले समय में गरीब आदमी अपने बच्चों को स्कूल में भेजने लायक भी नहीं रहेगा, क्योंकि आज तो सरकार प्राइवेट स्कूलों में बच्चा भेजने पर 1100 रुपए दे रही है। हो सकता है 1-2 साल के बाद ये बंद कर दे और तब बच्चे ना इधर के रहेंगे ना उधर के। कि जो चिराग योजना है उसका हम विरोध कर रहे हैं। ये चिराग जो योजना है ये आम आदमी का गरीब आदमी का हक की नहीं है। बच्चे हमारे अनपढ़ रहेंगे। सरकार ने जो हरियाणा सरकार ने जो अभी जो ये बात लागू करी है कि लगभग 5,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया और उन स्कूलों में भी जो मिडिल स्कूल बच्चियों के कन्याओं के उनको मुख्य रूप से मर्ज के नाम के बंद किया जा रहा है। इसलिए हमारा पूर्व जोर विरोध है कि इन स्कूलों को दोबारा बहाल किया जाए ताकि आम गरीब आदमी का बच्चा पढ़ सके। तो कब तक करेंगे ये हम धरना उस समय तक करेंगे जब तक ये परिस्थितियाँ नहीं बदलती। ये जो मुख्य रूप से इसमें एक बात और जुड़ी हुई है कि एक अध्यापक नेता पर FIR दर्ज की गई है राजद्रोह का नाम लेकर, उसको वापस किया जाए और इस शिक्षा नीति को नई शिक्षा नीति को बदला जाए। धरना प्रदर्शन जो है सरकार की शिक्षा विरोधी जो नीतियाँ हैं उसके खिलाफ है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो स्कूलों के मर्जर का फरमान जारी किया है वो जो है यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं हमारे जो गरीब लोग हैं उनके हक में नहीं है। इस मर्जर की पॉलिसी के तहत लगभग 5,000 स्कूल जो हैं वो बंद हो जाएंगे और उनके जो बच्चे हैं उनको ये कहते हैं कि हम प्राइवेट स्कूलों में भेजेंगे और उसकी कहते हैं सरकार जो ना फीस भी देगी उनकी। लेकिन केवल फीस से ही पढ़ाई नहीं होती ना, अगर वो जो ना प्राइवेट स्कूल जो ना सब जगह तो नहीं है, कहीं कहीं पर हैं, और अगर वो प्राइवेट स्कूलों में कहते हैं तो जिस तरह से गैस की सब्सिडी उन्होंने बंद कर दी, साल दो साल देने के बाद उनकी फीस, उसके बाद सरकार जो है ना वहाँ से हाथ वापस खींच ले तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो इसलिए जो है ना हम इस धरने के ऊपर बैठे हैं कि सरकार जो ना इस चिराग योजना को वापस ले, स्कूलों का मर्जर बंद करे और जो 50,000 अध्यापकों के पद खाली हैं उनके ऊपर भर्तियाँ करें। किसान नई शिक्षा नीति और चिराग योजना के विरोध में उतर आए हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार किसानों के विरोध प्रदर्शन पर क्या कोई संज्ञान लेती है या नहीं। पंजाब के सिटी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।